संपत्ति नंबर तीन रॉबर्ट बात करते हैं, तीसरी संपत्ति नेटवर्क मार्केटिंग की जो आठ मतलब फायदे है संपत्तियां जो बनती है उसमें तीसरी जो एसेट है उसकी बात करते हैं, समान सपनों और समान जीवन मूल्य वाले मित्रों का दायरा। यह सुनना शायद आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन यदि आप अपने जीवन में एक अलग अर्थव्यवस्था गढ़ना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो आपको नई नौकरी जितनी जरूरत है, नई नौकरी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत नए दोस्तों की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही वे आपसे प्रेम करते हों और भले ही उनका ऐसा इरादा नया हो लेकिन इस वक्त आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं हो सकता है कि वे आपको पीछे रोके हुए हैं। कई बार हम जो है ना हमारा दायरा नहीं छोड़ पाते हैं, हमें लगता है हमारे जो दोस्त है वो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस में अगर आप नई अर्थव्यवस्था गढ़ना चाहते हैं यानी नई संपत्ति तैयार करना चाहते हैं तो आपको नई नौकरी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत नए दोस्तों की भी हो सकती है और होती है। हो सकता है आपने यह बात सुनी हो कि आपकी आमदनी अक्सर अपने पांच सबसे करीबी मित्रों की औसत आमदनी के बराबर होती है और आपने बेशक यह कहावत भी सुनी होगी, समान प्रकृति वाले लोग साथ साथ रहते हैं। यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में भी सच है। दूसरे शब्दों में अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और मध्यम वर्गीय लोग दूसरे मध्यम वर्गीय लोगों के साथ उठते बैठते हैं। रॉबर्ट कहते हैं मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की जरूरत है जो या तो अमीर है या अमीर बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं अक्सर मीटिंग में बोलता हूं आपको अगर आपको अमीर बनना है तो उस आदमी से सीखना होगा जो अमीर है। हम जिन दोस्तों के साथ रहते हैं उनसे सीखते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों के साथ आपको बैठना उठना करना पड़ेगा। कई लोग अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और नेटवर्किंग करने में बिता देते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्हें पीछे रोक कर रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको ज्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं। सुनो ध्यान से, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको ज्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं। खुद से यह पूछें, खुद से सवाल पूछो, मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूं क्या वे मुझे अमीर बनाने के प्रति समर्पित है? ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि मैं जिन लोगों के साथ समय बिता रहा हूं क्या वे मुझे अमीर बनाने के प्रति समर्पित है या उनकी ज्यादा रुचि इस बात में है कि मैं कड़ी मेहनत करता रहूं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किन लोगों के साथ अपना समय बिताना है। आप खुद से सवाल पूछो ना। अगर आप टेप सुन रहे हो ना तो आप टेप नहीं सुन रहे हो, आप उस अमीर आदमी से सीख रहे हो जिसने टेप रिकॉर्ड किया है। वो अमीर आदमी है और वो आपको बता रहा है कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। किताब पढ़ रहे हो, किसी बढ़िया लेखक की किताब पढ़ रहे हो तो वो किताब आपको बता रही है। जैसे 21वीं सदी का व्यवसाय में रॉबर्ट कियोसाकी, अब आपको क्या लग रहा है? आपका दोस्त सिखा रहा है क्या कोई आपको? हाँ, आपका दोस्त सिखा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी आपका दोस्त है, वो सिखा रहे हैं। 200 रुपये आप कह दो मैंने 200 रुपये की किताब खरीदी है, अरे 200 रुपये की किताब में आपको 200 लाख करोड़ कमाने का तरीका सिखा रहे हैं। वो आपके दोस्त हुए या नहीं? लेकिन मेरे गांव के दोस्तों से पूछ लो, मैं जाके जब बात करूंगा ना वो बोलेंगे बस क्या करना है, कोरोना से दुनिया तबाह होने वाली है, अब सीख कर क्या करना है, कुछ नहीं, अमीर ऐसे होते हैं वैसे होते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, छोड़ो आप जानते हो सारी चीजों को। रॉबर्ट कहते हैं आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही कुछ अनुभव कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके कुछ मित्र या परिवार वाले ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के आपके निर्णय को नहीं समझते हैं, सभी के होते हैं, उससे सहानुभूति नहीं रखते हैं, या जो आपको हताश करने की सक्रिय कोशिश भी कर सकते हैं। आपके दोस्त आपसे कह सकते हैं कि आप मूर्ख है, हमेशा ही बोलते हैं, फंस गए हैं, बिल्कुल बोलते हैं, या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें बोलते हैं हमारे दोस्त, हमें परिवार वाले भी बोलते हैं। हो सकता है कि आप दोस्त गंवा दें, यह ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है आप दोस्त गंवा दें। मैं यह वाक्य लिखने में झिझकता हूं क्योंकि यह कठोर लगता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कठोर है यह, लेकिन यह वास्तविकता तो है और आप यह अच्छी बात अच्छी तरह जान लें। इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप दोस्त गंवाएंगे नहीं गंवाएंगे इसका नेटवर्क मार्केटिंग आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यहां हो यह रहा है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और ई या एस क्वाड्रेंट में जीना छोड़कर
बी क्वाड्रेंट में जीने जा रहे हैं। यह महज एक अलग नौकरी करने का मामला नहीं है, यह तो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने या अपना राजनीतिक दल बदलने जितना महत्वपूर्ण मामला है। मेरे को लगता है ये लाइन हमें दोबारा पढ़नी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, आप यह बात अच्छी तरह जान लें, इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यहां हो यह रहा है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन, और ई या एस क्वाड्रेंट में जीना छोड़कर, नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वाड्रेंट में जीना छोड़कर बी क्वाड्रेंट में जीने जा रहे हैं, बी क्वाड्रेंट में जीने के लिए जा रहे हैं। यह महज एक अलग नौकरी करने का मामला नहीं है। आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करो, इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है, उससे बड़ा मामला है यह तो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने या अपना राजनीतिक दल बदलने जितना महत्वपूर्ण मामला है। एक अंग्रेज कवि जॉन डन ने लिखा था, कोई भी मनुष्य टापू नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण हो, हर मनुष्य महाद्वीप का एक हिस्सा होता है, पूर्ण का अंश। यह बात उन्होंने सन 1623 में कही थी और आज के बेहद गुंथे हुए संसार में हजार गुना ज्यादा सच है। आप अकेले में अमीर नहीं बन सकते, आप उन लोगों जितने ही अच्छे होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। सोसाइटी बहुत बड़ा फर्क डालती है, आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। आप अकेले में अमीर नहीं बन सकते, आप उन लोगों जितने ही अच्छे होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। यह जीवन में हर जगह सच है, लेकिन यह खास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में सच और प्रासंगिक है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते हैं तो अपने आसपास ऐसे मित्रों का नया शक्तिशाली समुदाय बना लेते हैं जो आपके जैसे जीवन मूल्य और असली दुनिया की व्यावसायिक योग्यताएं सीख रहे हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का एक और बहुत बड़ा लाभ है। अगले प्रमोशन के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों से घिरे रहने के बजाय यहां आपका व्यवसाय ऐसे लोगों से भरा रहता है जो आपकी सफलता के प्रति उतने ही समर्पित है जितने की आप, क्योंकि आपकी सफलता से ही उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। इस बात की अच्छी संभावना है कि उनमें से कुछ आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ते हैं और काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अपने इस सामाजिक नेटवर्क को अपनी आमदनी से ज्यादा ऊंची प्राथमिकता देते हैं। तो मामला यह है, नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है बल्कि यह मित्रों का एक बिल्कुल नया संसार भी प्रदान करती है। ऐसे मित्र जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर आप जा रहे हैं और उनके बुनियादी जीवन मूल्य भी वही है जो आपके हैं। अगर यह आपके लिए भी आगे बढ़ने का समय हो तथा बी क्वाड्रेंट आपको पुकार रहा हो तो आप किसी नेटवर्क कंपनी से जुड़ सकते हैं और नए दोस्तों से मिलना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात रॉबर्ट कह रहे हैं। संपत्ति नंबर 4, आपके अपने नेटवर्क की शक्ति। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैंने 1990 के दशक में इस व्यवसाय की गंभीरता से 1990 में इस बिजनेस की गंभीरता से जांच पड़ताल की तो इसकी एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, वह यह थी कि इसमें नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद आया कि मेरे अमीर रेड्डी इस शब्द का सचमुच सम्मान करते थे। नेटवर्क शब्द बहुत सम्माननीय शब्द है दोस्त। थॉमस एडिसन मेरे अमीर रेड्डी के हीरो थे, थॉमस अल्वा एडिसन। वो कहते हैं कि मेरे अमीर रेड्डी के हीरो थे। आज लोग एडिसन को आमतौर पर बिजली के बल्ब के आविष्कार के रूप में जानते हैं। हम पूछते हैं ना, बिजली का बल्ब किसने बनाया, तो सब लोग बोलते हैं थॉमस एडिसन। हम सब लोग बिजली के बल्ब के आविष्कार के रूप में जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं, मैंने कई बार ये बात आपको मीटिंगों में भी बोली है, यह सच नहीं है। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, आज जान लो भाई ये सच। रोज बोलते हो ना, बल्ब किसने बनाया, एडिसन ने बनाया। रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं, थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ इसे बेहतर और आदर्श बनाया था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि इसे एक व्यवसाय में कैसे बदलना है। स्कूल छोड़ने के बाद एडिसन ट्रेन में टॉफी और मैगजीन बेचने की नौकरी करने लगे थे। जल्दी वे अपना खुद का अखबार छापने लगे और एक वर्ष के भीतर ही उन्होंने लड़कों की एक टीम नियुक्त कर ली जो उनके अखबार के साथ टॉफियां बेचने लगी। वे कर्मचारी से व्यवसायी बन गए थे। अखबार बेचने के काम से युवा एडिसन धीरे धीरे उगता गए। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी पाने के लिए उन्होंने यह सीखा कि मोर्स कोड कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। जल्दी वे सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर में से एक बन गए।
और यही उन्होंने यह रहस्य वह रहस्य सीखा जिसकी बदौलत वे बाद में मिलेनियर बने यानी करोड़पति बने। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में उन्होंने देखा कि टेलीग्राफ के आविष्कार को इतनी जबरदस्त सफलता क्यों मिली थी। यह तारों, खंभों, काबिल व्यक्तियों और रिले स्टेशन का आपस में जुड़ा हुआ तंत्र था, इसमें नेटवर्क की शक्ति थी। हालांकि एडिसन बिजली के बल्ब संबंधी प्रयोगों और उस फिलामेंट को आदर्श बनाने के लिए मशहूर है जिसकी बदौलत बल्ब व्यावहारिक बना, लेकिन एडिसन की सच्ची प्रतिभा एक कंपनी बनाने में नजर आती है, जिसने बिजली के तारों का जाल बिछाया और बिजली के बल्ब को समाज में जगह बनाने का अवसर दिया। एडिसन ने जिस कंपनी की स्थापना की उसने उन्हें मल्टी मिलेनियर बना दिया यानी अरबपति बना दिया। उस कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। एडिसन के व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज बिजली का बल्ब नहीं बल्कि बिजली के तारों और रिले स्टेशन का तंत्र था जिसकी बदौलत बिजली के बल्ब को ऊर्जा मिली। यह नेटवर्क था। नेटवर्क बहुत बड़ी पावर है भाई। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया था, संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करता है। रॉबर्ट क्या कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया, जो एक बिजनेस करते थे, कि संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करता है। समुद्री जहाज के दौलतमंद स्वामियों तथा रॉयल रोड बैरन से लेकर सैम वाल्टन, बिल गेट्स और जेफ बेजोस तक उन्हीं लोगों ने संसार में प्रचुर दौलत बनाई है जिन्होंने यह पता लगा लिया था कि नेटवर्क कैसे बनाना है। सैम वाल्टन ने लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया, उन्होंने तो उनके वितरण का नेटवर्क बनाया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाए, उन्होंने तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिस पर कंप्यूटर चलते थे। जेफ बेजोस ने पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया, उन्होंने पुस्तकों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क अमेजोन बनाया। शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली व्यावहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें। दोबारा सुनो इस लाइन को, शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है। कई बार कहते हैं ना सर, प्रोडक्ट क्या है सर, ये प्रोडक्ट कौन सा आ गया सर, वो प्रोडक्ट कौन सा आ गया सर, ये प्रोडक्ट कब आएगा, वो प्रोडक्ट कब आएगा सर, आटा आ जाएगा तो ये हो जाएगा, दाल आ जाएगी तो ये हो जाएगा, चीनी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, चावल आ जाएगा तो ये हो जाएगा, शक्कर आ जाएगा तो, अरे प्रोडक्ट में शक्ति नहीं है यार, शक्ति नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति है कि आप एक शक्तिशाली व्यावहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोजें। नेटवर्क तो बनाते नहीं हो, प्रोडक्ट का पूछते रहते हो, प्रोडक्ट से कुछ नहीं होगा। जाहिर है हमें से अधिकांश लोग थॉमस एडिसन, सैम वाल्टन या बिल गेट्स नहीं है और ना ही कभी बन सकते हैं। हाँ, हर पीढ़ी में मुट्ठी पर बेहद रचनात्मक लोग होते जो शून्य से अरबों डॉलर के नए नेटवर्क बनाकर किसी कारोबार को फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, जैसा इन लोगों ने किया। लेकिन लाखों लोगों की बात तो रहने ही दे, ये हजारों लोगों के लिए तार्किक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त व्यवसाय है। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कंपनियां अब आप जैसे करोड़ों लोगों को उनका खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर देती है, बजाय इसके कि वे किसी दूसरे के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी जिंदगी बिता दे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आप और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को उनका खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर देती है। आरसीएम हमें अवसर दे रही है कि हम खुद का नेटवर्क बनाए। अमेजोन के सामान की डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय है ना, वो अमेजोन का नेटवर्क नहीं, अमेजोन के नेटवर्क में नहीं है, वो अमेजोन की नौकरी कर रहा है, फायदा जो बेजो उसको हो रहा है। इसकी ताकत को समझो यार, बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। आरसीएम ने हमें जो मौका दिया है, मैं कहता हूं क्या बताऊं मैं, टीसीजी का मतलब ऋण इस जीवन में तो नहीं उतर सकता है भाई। मेटकॉफ का नियम है, थ्री कॉम के संस्थापक और इथरनेट के एक निर्माता रॉबर्ट मेटकॉफ को एक समीकरण बनाने का श्रेय दिया जाता है जो नेटवर्क के मूल्य को परिभाषित करता है, वी बराबर एन स्क्वायर टू। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य उस नेटवर्क का उपयोग करने वालों की संख्या के वर्ग के बराबर होता है। चलिए इसमें आगे बात करेंगे। थैंक यू।